from very long time I wanted to try this brand, and this is the right time when I'm going to purchase something from Kosiki. This video is all about what I ordered versus what I got from Kosiki. So the offer is going on their website, 25% off and buy two get one offer, buy two get one free on sari and dress material. So I ordered two sari and one dress material from Kosiki. So I'm going to share with you my review. साड़ी रिसीव हुई है जो मैंने साड़ी ऑर्डर करी थी वो एग्जैक्ट सेम रिसीव हुई है, या ड्रेस मटेरियल जो मैंने ऑर्डर किया था वो एग्जैक्ट रिसीव हुआ है या नहीं. सो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू माय रिव्यू विद यू. सो एज आई मेंशन बिफोर दैट आई ऑर्डर टू साड़ी एंड वन ड्रेस मटेरियल. सो मैं यहाँ पे रिव्यू करने जा रही हूँ. तो सबसे पहले मैं जो साड़ी का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका स्क्रीनशॉट मैं साइड में लगा देती हूँ. तो ये है साड़ी जिसका प्राइस था 3400 समथिंग. तो ये साड़ी मैंने ऑर्डर करी थी जिसपे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि सैटन मटेरियल की ये साड़ी है और इस पर जो है गोटा पत्ती की डिज़ाइनिंग करी हुई है. तो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू दैट साड़ी जो कि मैंने ऑर्डर करी थी तो जो स्क्रीनशॉट में आपने देखी है वो है ये साड़ी. एग्जैक्ट मुझे रिसीव हुई है, इसका सैटन मटेरियल है, प्लस यहाँ पे जो बॉर्डर पे गोटा पत्ती की डिटेलिंग जो इमेज में दिखा रखी थी वैसी एग्जैक्ट मुझे रिसीव हुई है. बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ पे ये गोटा पत्ती की डिटेलिंग करी हुई है साड़ी के साथ में. एंड साड़ी का जो फैब्रिक है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है. आई मीन कि मुझे ऐसी साड़ीज़ बहुत अच्छी लगती है जो पहनने के बाद बहुत ही लाइट फील होती है एंड आप कंफर्टेबली उनको पूरे दिन पहनकर अपना फंक्शन वगैरह जहाँ पे भी जा रहे हो वो इन्जॉय कर सकते हो. मुझे ऐसी साड़ी पर्सनली बहुत अच्छी लगती है एंड ये साड़ी भी एग्जैक्ट वैसी है. पहनने के बाद मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि कोई मोटा फैब्रिक है या लाइट वेट नहीं है. बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट फैब्रिक की ये साड़ी है. ये पल्लू है जिस पर बॉर्डर करा हुआ है गोटा पत्ती. पूरी साड़ी पर इस टाइप से जो वाइट लाइन्स बनी हुई है और बीच में छोटी बूटी भी दी गई है. इसका ब्लाउज पीस जो मुझे इस साड़ी के साथ में रिसीव हुआ है पर आपको स्लीव्स पर जो बॉर्डर आएगा उसकी डिटेलिंग भी दी गई है और पूरे ही ब्लाउज पर इस टाइप से छोटी छोटी बूटी जो साड़ी पर बनी हुई है एग्जैक्ट सेम ब्लाउज पे भी बनी हुई है. तो आप स्लीव्स पे भी आपको डिजाइनिंग पार्ट मिलेगा. फैब्रिक की क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो साड़ी का फैब्रिक भी बहुत अच्छा है और ब्लाउज का फैब्रिक भी बहुत अच्छा है. लाइक आप बहुत ही लाइट क्वालिटी का अगर लाइनिंग यूज़ करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा. तो मुझे ब्लाउज़ की क्वालिटी एंड साड़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है. आप चाहो तो इसे स्लीवलेस स्टाइल करवा सकते हो, स्ट्रैपी ब्लाउज स्टाइल करवा सकते हो, या फिर आप जो एल्बो तक की स्लीव्स के डिज़ाइनर ब्लाउज चल रहे वैसा भी आप स्टाइल करोगे और स्टाइल करके आप अगर साड़ी के साथ में पेयर अप करोगे तो काफ़ी अच्छी लगने वाली है साड़ी है. क्या लगा कि मुझे ये प्रोडक्ट तीन दिन within 3 days मुझे अपना पार्सल रिसीव हो गया था. एंड मैंने उनकी वेबसाइट पे चेक किया कि अगर आपको कोई आइटम पसंद नहीं आता है तो आप उसको within 7 days के अंदर रिटर्न करवा सकते हो, एक्सचेंज करवा सकते हो. कस्टमर सर्विस मुझे कोसकी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी. नेक्स्ट जो मैंने साड़ी ऑर्डर करी है और आपको पता है इस साड़ी का जो ट्रेंड है वो कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होता है. लाइक ये वाली साड़ी मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए थी. जैसे कि आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पेज वगैरह पे कि ये जो जरी वर्क की सॉफ्ट सिल्क की साड़ी होती है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है. वेदर आई कैन से कि ये पूरे सेम कलर में या फिर बॉर्डर और मिड में अलग कलर में, यानी कि टू कलर में या फिर सेम पूरी साड़ी एक कलर में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में नाउ डेज. सो मैंने ये डार्क कलर चूज़ किया है जिसमें आई कैन से थोड़ा पीची सा कलर है और बॉर्डर पे डार्क नेवी ब्लू कलर जो है वो साड़ी का कलर है. ड्रैप हो जाती है प्लस इसका जो सॉफ्ट फैब्रिक है वो इतना ज़्यादा प्रिटी है. जैसे कि अब मैं यहाँ से पकड़ रही हूँ यू कैन सी, तो इसमें ऑटोमेटिकली जो ये सल आ रहे हैं ना वो कितने अच्छे से बन रहे हैं. यू कैन सी इस टाइप की जो साड़ी होती है उसको ड्रैप करना बहुत ईजी होता है. अगर हम सिल्क की बात करें तो सिल्क की साड़ी पहनना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बट यू कैन सी द साड़ी, ये देखो ऑटोमेटिकली प्लेट्स बन रही है. बहुत अच्छी लगी. एंड पता है इससे भी ज़्यादा बेस्ट पार्ट क्या लगा मुझे, ये उसमें आपको ये टेसल्स बनवाने पड़ते हैं. जब आप ब्लाउज स्टिचिंग के लिए देते हो तो आपको जो ब्लाउज पे डिज़ाइन करवानी होती है साड़ी के पल्लू पे ये टेसल्स लगवाने पड़ते हैं, बट इसमें ऑलरेडी लग कर आए. एंड इसका प्राइस 2400 समथिंग था. सो प्राइस वाइज ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल लगी है, बिकॉज आप अगर अदर वेबसाइट पर चेक करोगे ना तो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रहता है. इस टाइप की साड़ी का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रहता है एंड क्वालिटी इज़ जस्ट ऑसम, बहुत ऑसम क्वालिटी है.
जैसा कि ऑफर चल रहा है बाय टू गेट वन, तो मैंने यहाँ पे दो साड़ी और एक सूट परचेस किया था। तो ये है सूट ऑर्गेंजा फैब्रिक का, जिस पर इस टाइप से सितारा वर्क किया हुआ है, तारे सितारे का वर्क बोल सकते हैं। इसका फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। इवन आप अगर कोस्की की वेबसाइट पर चेक करोगे ड्रेस मटेरियल में, तो आपको इतने अच्छे अच्छे ड्रेस मटेरियल के फैब्रिक मिल जाएंगे विथ पैंट एंड दुपट्टा, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग स्टिच करवा सकते हो, फुल स्लीव्स, हाफ स्लीव्स। तो इस टाइप के सूट है ना, ऑफिस पर्पज से या छोटे बड़े फंक्शन होते हैं ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग टेलर से स्टिच करवा सकते हो। सो इसका ये फैब्रिक है, और फैब्रिक पे पूरे पे ही प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर ये तारे सितारे का वर्क किया हुआ है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। एंड ये इसका पूरा प्लेन मटेरियल है, यू कैन सी बैक में इस टाइप से आएगा एंड फ्रंट में इस टाइप से तारे सितारे का वर्क आएगा। ये बॉर्डर दिया हुआ है, तो इस टाइप से आपके सूट के आगे डिज़ाइन आएगी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सूट स्टिच करवा के पहनना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, स्ट्रेट पैंट या फिर प्लाजो पैंट या सलवार, जैसे चाहूँ जिस टाइप से मैं कुर्ता स्टिच करवाऊँगी उसके अकॉर्डिंग मैं ये स्टिच करवा सकती हूँ। एंड विथ लाइनिंग, मतलब इसमें मेरे को पैंट का फैब्रिक भी है, प्लस वो जो ऊपर का कुर्ता है उसका फैब्रिक भी इसमें अटैच है, तो मुझे अलग से लाइनिंग परचेस करने की ज़रूरत नहीं। इसका दुपट्टा, ओ माय गॉड, दुपट्टे की बात करूँ ना, तो मैंने बहुत कम सूट्स होते हैं जिसके अंदर मुझे ऐसा मतलब जिसके अंदर आपको इस टाइप का दुपट्टा मिलता है। एंड लुक एट द दुपट्टा, बॉर्डर डिटेलिंग, फुल जो प्रिंट है दुपट्टे का, वो सब कुछ आप देखिए, बहुत ही अच्छा है। मतलब चार चांद लगा दिए इस दुपट्टे ने पूरे सूट के अंदर, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये दुपट्टा। और इमेज में जैसा ये ड्रेस दिखाया गया था, मटेरियल, ड्रेस मटेरियल एग्जैक्ट मुझे वैसा रिसीव हुआ है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि कुछ और दिखाया था, कुछ और अलग रिसीव हुआ है। तीनों ही आइटम मुझे सेम इमेज में जैसे दिखाए थे एग्जैक्ट सेम मुझे रिसीव हुए हैं, ऐसा भी बिल्कुल भी माइनर सा भी इसमें चेंजेस नहीं है। सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे रिसीव हुए हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है, प्लस एग्जैक्ट जैसे इमेज में थे वैसे मुझे रिसीव हुए, कस्टमर सर्विस भी काफ़ी अच्छी है। सो लास्ट में यही बोलूँगी कि अगर आप कुछ परचेस करना चाहते हो कोस्की, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक भी है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि किसी को वेडिंग पर्पज से, या ऐसा होता है ना शादी के बाद आपको नए नए कपड़े पहनने होते हैं, या आपके आपकी फ्रेंड को किसी की शादी में जाना है और उनको एक अच्छा कलेक्शन चाहिए, यू कैन डेफिनेटली ट्राई आउट कोस्की। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।